अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? तो अब हम आए हैं, इससे मुझे मेकअप की कुछ ज़रूरत थी, ये देख लीजिए। अब मैं लाला से सारी चीज़ें पूछूंगी और आपको एक एक के रेट बताती रहूंगी। ये फाउंडेशन एमली का है, और क्या बता रहे हैं आप इस फाउंडेशन के लिए पैसे? आपका फाइनल लगा दूँ 600। ये फाइनल इन्होंने 600 रुपये का बताया है, और इसके साथ ये पाउडर इन्होंने कितने का बताया है? 350 का। देखें, बहुत शॉर्ट हो गया भाभी, आपने कहा था थोड़ा सा बड़ा कवर में मिलेगा, लेकिन बहुत पतली सी है। और ये बॉब का मस्कारा है, इसका क्या बता रहे? ये 300 रुपये का बॉब का मस्कारा है, ये तो 100 रुपीज़ की है। और ये पेंसिल, और ये, और जो ये वही मस्कारा, वही पेंसिल, और ये वाला कितने बताया आपने? 400 रुपये फाइनल। ज़रा उनको भी दिखा दें जो ये इनकी ये शॉप है, हम यहाँ आए हैं। और इसके ये वाला फाउंडेशन के आपने क्या बताया? 650 फाइनल बताइए। 650 तो आपने बताया ना, 650 वाला मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला 850। तो इसके 650 चीज़ का फ़र्क है ना, ये 650 रुपये का है, इसका बिल इतना बन रहा है। अब इसमें क्या कम करेंगे आप, ये कम करें, इन तीन का बता दीजिए, ठीक है, ये कम कर दें। अब ये सारी शॉप आप ले लो, मैं जब तक इनसे पैसे करवाती हूँ, आप इन तीन का बता दें, 600 और 1150 की रेंज में लाएं, बस करें। उन्होंने मुझे 1000 ही दिए हैं, बस करें 1150, अब इतनी बहस नहीं करें, नहीं बस 1000 रुपये लें इसको। इस पे तो मैं देखें, आपकी कहने पे वही दे रही हूँ ना, 800 पे 600, इसके पे 200, इसके मैंने बिल्कुल कम नहीं करवा रही। ये देखिए, इतने तो वही हैं, इसके ज़रा से भी मैंने कम नहीं किए। देखिए, मैं बहुत बहस कर रही हूँ, लेकिन ये कम नहीं कर रहा लेने के लिए। और 120 रुपये किलो चीकू मिल रहा है यहाँ पर। कितने लिए भाई? 120 रुपये नहीं, मुझे भाई के 100 रुपये। चलो भाई, अबे उनको वीडियो में जरूर बताओ, उसको नुकसान पहुँचा रही हो। चलो ले लिया ना। अब हम गन्ने का रस पी रहे हैं, और ये देखिए, मुझे तो थैली में दीजिएगा भाई। हाँ, दो दे दें, तो मुझे गिलास में दे दो, इनको थैली में। हाँ, इनको गिलास में दे दें, यहीं पी लेंगे, मुझे थैली में दे दें, हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि गन्ने का रस कैसे भाई निकालते हैं। ये देखें, ये है भाई वो, और ये रख गन्ने का, यहाँ जा रहे हैं, ये रही मशीन, और इसके अंदर तक मैं आपको दिखाती हूँ सारे। मेरी आवाज़ अगर आ रही हो तो, गुजर रहे हैं इस वक्त कायद आज़म के मज़ार के सामने से। मैं बहुत बचपन में गई थी, और अपने अभी तक नहीं गई यहाँ पर, तो मैं हमेशा आयाज से कहती हूँ, आयाज मुझे यहाँ दिखा तो दें कायद आज़म का मज़ार, अंदर से दोबारा मैं भूल गई हूँ, हैं। हाँ, और आयाज हमेशा मुझसे कहते हैं, यहाँ से देख लो, गुज़र तो रहे हैं सामने से। हाँ, यही नज़र आ रहा है सामने से। जनाब, हम आपको दिखाते हैं छोटे छोटे से बकरी के बच्चे, प्यारे प्यारे से, खूबसूरत से, वाइट से। मैं आपको इस वाले की दिखाती हूँ, ये देखिए कितना क्यूट से, उसके गले में पिंक कलर का कंठा बना हुआ है। और ये देखें, इसे ना क्या कहते हैं, दुम्बा कहते हैं ना, दुम्बे के बच्चे ना। हाँ भाई, ज़रा से हटे, हम आपके बच्चे वीडियो बनाएं। ये देखें, ओए माशाल्लाह कितना क्यूट है, ये तो नकली लग रहा है, असली है ये वाला, है ना। ये देखें कितने क्यूट क्यूट है, ये भाई की सारी ये लोग लेके खड़े हुए हैं, और यहाँ पर, और ये सेल कर रहे होते हैं फिर सारी यहाँ पर। ये नाराज़ है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए, आपको सब नज़र आ जाएंगे। रास्ते में मैंने रुके, मैंने कहा आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, चलें इनकी वीडियो बनाते हैं। आइए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या, किस किस के लिए और क्या क्या चीज़ ली है, ठीक है। ये मुझसे किसी ने मंगवाया था फाउंडेशन, जो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था, ये वाला फाउंडेशन है जो मुझे मिला है 650 रुपये का, ये फाउंडेशन, ठीक है। आपको अगर इसका नाम नज़र आ रहा हो तो बहुत मज़े का है, मैंने इसको चेक किया, बहुत अच्छा शेड है इसका। और ये इसका पाउडर मिला है मुझे, उसको कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये डबल में है। और ये देखिए, एक थोड़ा सा लाइट शेड है, ये वाला लाइट शेड है, और ये वाला थोड़ा सा डार्क शेड है, और इसके पीछे ये पफ है। ये मुझे मिला है 450 रुपये का, ठीक है, ये मुझे मिला है, नहीं 400 रुपये का, 450 का बता रहा था, पर 400 रुपये उसने कर दिए थे। और इसके साथ मैंने लिए है एक आईब्रो पेंसिल, ठीक है, ये एक पार्सल हो गया, एक बंदे ने मुझसे मंगवाया था। अब दूसरा जो मुझसे मंगवाया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ख़ुद लिया था, ये मेरे अपना है, क्योंकि मुझे भी फाउंडेशन की ज़रूरत है। ये मैंने लैशेज़ लिए हैं, देख लीजिए, 200 रुपीज़ की लैशेज़ हैं,
जिसमें तीन दफ़ा मैं यूज़ कर लूँगी, 200 रुपए की लैशेज़ हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक फाउंडेशन ये लिया है, ये देखिए ये फाउंडेशन है जो मैंने अपनी स्किन के मुताबिक लिया है। मुझे थोड़ा सा ये वाइट में लग रहा है, मैं वाइट ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे थोड़ा सा वाइट नहीं चाहिए होता, मुझे डार्क चाहिए होता है। तो ये लग रहा है, फिर भी चेक करती हूँ क्योंकि अक्सर जो है ना जिस शॉप से हम लेते हैं वो शॉप बनती, वो साहब जो थे ना वो अभी पंजाब नहीं, क्या कहते हैं उसे, पता नहीं कहाँ सरहद वरहद से हैं, तो वो छुट्टियाँ मनाने ही थी गए, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो एक पार्सल ये था, मैंने तीन जगह ये चीज़ें ली हैं, देखें आपको तीनों चीज़ें नज़र आ रही होंगी। और एक ये मैंने लिया था, ये भाभी ने मुझसे मंगवाया था, और एक हाथ से थैली खोल रही हूँ, पैर से पकड़ा हुआ है। एक उन्होंने ये पाउडर मंगाया था, ये लिया है इमली का पाउडर जो उसने 400 का दिया है। और इस ये इतना छोटा सा क्यूट सा वाइट कलर का है, वैसे छोटी सी डबिया में ना ये। और एक भाभी ने मंगवाया था मस्कारा, जो बॉब का मस्कारा है, जो मिला है 300 का। और ये देखिए 300 का ये मस्कारा मिला है। और एक आईब्रो पेंसिल ली है, देखिए बस। तो ये सामान टोटल लिया, और हम जिसके लिए हम सड़ी गर्मी और धूप में गए हुए थे ये सामान लेने, और हमने ये सामान ले लिया क्योंकि टाइम नहीं है, परसों शादी है, तो उसके लिए ये मेकअप बहुत ज़रूरी था, ये मैंने लिया है। तो अब जब मेकअप करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी, फिर तो आप वीडियो तो बनेगी ना, फिर तो आप देखेंगे ना, आप मेरे साथ चल रहे हैं ना साथ साथ शादी में, तो मेरे साथ शादी में होंगे आप, और ये लगेंगी फिर मुझे लैश। वैसे मैंने लोकली वाली ली हैं, वो अच्छी वाली जो थी ना, वो 700-800 रुपये की तीन चार थी, ये मैंने 200 की तीन पेयर हैं वो लिए। ये सस्ते वाले मैंने देख के लिए, बाकी 700-800 वाले बहुत अच्छी लैशेस थी, वो नहीं ली मैंने, मैंने कहा बेकार है, फजूल ज़ाया होंगी, यही लगा लेंगे, ठीक है। मैं मुझसे नाराज़ लेटी हुई है और इतना कह रही है कि आप मुझे छोड़ के क्यों गई, मैं जो हूँ ना आपसे बहुत सख्त नाराज़ हूँ, ऊँ ऊँ करके मुन्ने की तरह रो रही है। रोके दिखाओ जरा, मुन्ने की तरह कैसे रोती है, अरे अरे रोके दिखाओ, अरे रोके दिखाओ मुन्ने की तरह, अरे रो की तरह, अरे रो 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 रो, अरे रो मुन्ने की तरह। ये रो रही है, मैं इसे छोड़ के चली गई थी, मैंने कहा तुम नहीं जाओगी, बहुत गर्मी है, मैं दोपहर में गई थी तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझ पर, और बहुत, और दादी के घर भी नहीं लेके जा रही क्योंकि दादी के घर वहाँ गाने होते हैं और डांस होता है और रात को ढोल बजता है। लेकिन हम रात को जाएंगे ना, अभी तो 8 भी नहीं बजे, तो हम रात को जाएंगे। ये देखें ये टाइम आप लोगों को नज़र आ रहा है क्या टाइम हुआ, लेकिन इसको जाने की जिद लगी हुई है, ये देखें। ये मेरी चाय, और मैंने 8 बजे चाय बनाई है, देखें मैं लेके आती हूँ, है मेरी चाय ना गिर जाए इसमें, मैंने आधा कप पी लिया और आधा इसके अंदर है, तो अभी चल के चाय पीते हैं क्योंकि मैं बहुत थक गई। बाहर आओ, मैं आपको बताऊं कि जूजू चलती कैसी है, देखें पता नहीं इसको क्या आदत है, ये पंजों पे चलती है, नहीं पूरे रख रहे पाँव, पूरे पाँव रखो, एड़ी रखो, ये एड़ी पाँव जो है ना वो नीचे नहीं रखती, सिर्फ पंजों पे चलती है, इस वजह से हर वक्त मुझसे डांट खाती है। और अभी मोटी मम्मा के घर, आज तो पता है मोटी मम्मा के घर सो गई थी, और मैंने जो है ना इससे कहा, मैं अक्सर इससे कहती हूँ कि सो जाओ, ये सोती नहीं है, और मोटी मम्मा के घर सब सो रहे थे, मुन्ने के साथ ये जाकर ये भी सो गई, ये क्या बात हुई। मैं तो घर में तो मैं सुलाने के लिए कहती हूँ नर्वस, क्या एक महीने किस चीज़ का, मुन्ने को दिखा देंगे ना। हाँ हाँ, मुन्ने को फेस रिवील करने के लिए, मुन्ने को दिखाने के लिए, हमारा बेटा 1.25 महीना हो जाए ना, फिर उसके बाद मुन्ने थोड़ा बड़ा हो जाए ना, थोड़ा बड़ा हो जाए ना। अच्छा जनाब चले, फिर मैं कुछ किचन में काम करती हूँ। और हाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे अभी पुप्पो के दुपट्टे पे बेलें भी लगानी है, मुझे मशीन पे बैठना है, ये देखिए ये रहा वो दुपट्टा और ये रही वो बेलें जिस पे मुझे बेलें लगानी है, मशीन पे बैठना है मुझे, आज ही लेके जाना है ये सारा काम करना है। कल के ब्लॉग में आएगा कि मैं है ना आपको साड़ी पहनाना। अच्छा जनाब, ये आपको कल के ब्लॉग में आएगा, ये आपको साड़ी पहनाना सिखाएंगे, देखें अब आप लोग साड़ी पहनना भी सीखेंगे जूजू से। चाय पी ली है और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा मशीन पे बैठने, और इसकी हरकतें देखें, ये देखें ये करके आ रही है, ये खाना बना रही है, आपको नज़र आ रही है ज़मीन में बैठी हुई अपने छोटे से चूल्हे के पास बैठी हुई, ये इसका चूल्हा है, ये इसकी हंडिया है, और इसके पास बैठ कर ना ये इसने कागज़ रखे हैं इसके अंदर, देखिए पानी में कागज़ कैसे जलेंगे, ये कागज़ रखे हैं और इसमें एक आग जला के, और ये जो है ना ये रखेगी हंडिया। चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, और मेरे पास वैसे भी आज बहुत, मैं थक गई हूँ, आज मैं बहुत थक गई क्योंकि शदीद गर्मी में गई थी और बुरा हाल हो गया, इतना शदीद तेज़ धूप है ना कराची में इस वक्त, बहुत गर्मी भी हो रही है, शदीद गर्मी, शदीद तेज़ धूप है, और रंग स्याह काला हो गया, और देखें मेरे हाथ का कलर और मेरे चेहरे का कलर कितना फ़र्क आया हुआ है। खैर चले, मैं आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, बाकी हम कल वीडियो बनाएंगे, कल आपसे मिलते हैं, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वैसे आज अच्छी नहीं बनी, कुछ नहीं बनाया मैंने, फिर भी
फिर भी अगर अच्छी बनी हो तो आप लोग जो है ना मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनों में शेयर कीजिए, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और मेरा भी ख्याल रखना है। सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि मैं आगे और मुझे बताया करें कि मैं किस किस उस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं जो आजकल मसरूफ़ हूँ, मुझे कोई आइडियाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे। शादी के चक्कर में मसरूफ़ हूँ, बाज़ार जाना हो रहा है, किसी से मिलना हो रहा है, कार्ड देने जा रहे हैं, तो इस चक्कर में बहुत मसरूफियत हूँ। तो मसरूफियत चल रही है, मैं इनका मसरूफियत हूँ, कुछ गलत भूल गई। चले फिर आपसे कल मिलते हैं, तो बस आगे, अल्लाह हाफिज़।